सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र है। रविंद्र, क्या घटना हो गई है? घटना ये हो गई कि मेरा ये मामा का लड़का है जी, जो कि यहाँ पिछले 2.5-3 साल से यहाँ जॉब कर रहा था। राठ में एक कंपनी में जॉब कर रहा था, अच्छी पोस्ट पे था। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि ठीक है, हम लोग कभी आए नहीं यहाँ पे। कल हम लोगों को शाम को सूचना मिली 4 बजे कि वो फांसी में लटका हुआ प्राप्त हुआ, जिससे हम लोगों को जानकारी मिली। जैसे हम लोग रात में 2 बजे यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से कहा मुझे दिखा दो, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा सुबह से पहले आप नहीं मिल सकते, ना देख सकते हैं, आप सुबह का वेट करिए। मैं सुबह पहुँचते ही थाने में पहुँचा तो मैंने बोला कि मुझे दिखा दो, एटलीस्ट जितना प्रोसीजर वो आप फॉलो कराइए। फिर मैं गया मकान मालिक से बात किया, मकान मालिक बोले मुझसे कि एक महिला आती थी जिसका नाम क्या नाम था उसका नाम क्या था लड़की का सलमा नाम की एक महिला थी जो अक्सर आया करती थी घर पे। तो मकान मालिक बोले कि ये बहन है, जबकि मेरी कोई बहन नहीं है, हमारे परिवार में कोई बहन है ही नहीं, है ना, इस तरह की। और रिलेटिव में फिर हम लोग हिंदू में हैं, वो मुस्लिम है, तो रियल फैक्ट है कि बहन हो ही नहीं सकती, है ना। फिर इसके बाद मकान मालिक का कहना है कि वो सैटरडे आ रखे, संडे वीकेंड पर रुकना, फिर इसके बाद मॉर्निंग में जाना। कल भी फाइनल में यही हुआ कि वो जो है आके उसी ने मकान मालिक दरवाज़ा खोला और सीधे ऊपर गई, वो ऊपर ही रहता था। ऊपर जाने के बाद जो है उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर नीचे से मदद मांगी। मदद मांगने के बाद धक्का दे के दरवाज़ा खोला तो बता रहे वो लटका हुआ था पंखे से। तो जब फिर इसके बाद उसने खुद ही जो है हाशिया का प्रयोग करके उसको उतारा और रिक्शा करके सरकारी अस्पताल में लेके आई, और उसी बीच में वो गायब होकर फिर वापस कमरे में मोबाइल के बहाने या और किसी के बहाने जाके जांच किया, फिर वो गायब। पर्स की तलाशी भी, और पर्स में हम लोगों ने देखा तो 10-20 रुपए से ज़्यादा नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको? हमें तो यही लग रहा है कि या तो अफेयर है, कुछ इशू है, या पैसे का कोई इशू है, क्योंकि अच्छी पोस्ट पे था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पूरा फ्री माइंड में काम करता था। तो कोई हम लोग का भी नहीं मालूम है कि कितना मिलता था, कितना कमाता था, कितना कहाँ करता था, क्योंकि कोई भी लेन देन घर से नहीं होता था। तो हमें तो यही लग रहा है कि पैसे की वजह से उसको रखा था, और पैसे की वजह से ही उसको पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम कराना तो क्लियर है, वो तो कराना ही है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।